की ये खबर, माया नगरी मुंबई की सड़कों पर जानलेवा गड्ढों से जुड़ी हुई है। डीएमसी हर साल मुंबई की सड़कों के गड्ढे को छिपाकर उनको सुंदर बनाने का दावा करती है, लेकिन पहले ही बारिश में बीएमसी की पोल खुल जाती है और सड़कों पर जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं और ये गड्ढे हादसों को दावत देते हैं। एक आंकड़े के मुताबिक मुंबई की सड़कों पर अब तक 8582 गड्ढे बन चुके हैं। ऐसे में बीएमसी के खिलाफ कई जगह आंदोलन भी हो रहे हैं, लेकिन बीएमसी के अधिकारियों को इसकी जरा भी फिक्र नहीं है। ऐसे में माया नगरी की सड़कों के जानलेवा गड्ढों से खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। अभी हम लोग ने गिनना ही छोड़ दिया है, इतने सारे खड्डे। हर एक जो डिपार्टमेंट है वो अभी खड्डे को भी, हमारा ये खड्डा नहीं है, ये आपका खड्डा नहीं है, उनका वही सब चल रहा है। हर साल नहीं, अभी है सीलिंग का काम चालू हो गया ना, तब से ही चालू हो गया। अभी इसके बाद दिवाली कब तक बोले है कि होते हैं कि नहीं होते हैं, ये नाला बना रहा है बड़ा। प्रॉब्लम तो सबको ही है, बुजुर्ग को प्रॉब्लम है चलने का, बहुत कंप्लेंट आते हैं, क्या कर रहे हैं आप लोग। हमारी जो सिस्टम है वो सब सिस्टम जो अपने वीआईपी लोग है उनके पीछे दौड़ रहे, आम आदमी मरे जे उसको कुछ देना नहीं है। वैसे तो माया नगरी मुंबई अपनी नाइट लाइफ और चकाचौंध के लिए जानी जाती है, लेकिन मॉनसून आते ही सड़कों पर होने वाले गड्ढे इसके चकाचौंध में धब्बा लगा देते हैं। जो मुंबई अपनी रफ्तार के लिए जानी जाती है उसी मुंबई पर बारिश ब्रेक लगा देती है और सड़कों के गड्ढे माया नगरी के विकास को मुंह चढ़ाते नजर आते हैं। भारी बारिश के दौरान मुंबई में गड्ढों की संख्या बढ़ जाती है। हर साल बीएमसी इन गड्ढों को भरने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करती है, फिर भी भारी बारिश के बाद सड़कों पर फिर गड्ढे दिखने लगते हैं। बारिश की वजह से इन गड्ढों में पानी भर जाता है जो दुर्घटना की वजह बनते हैं। बृहन मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी हर साल मुंबई की सड़कों के गड्ढों को छुपाकर उन्हें सुंदर बनाने का दावा करती है, लेकिन बारिश आते ही महानगर पालिका के सभी दावों की पोल खुल जाती है और सड़कों पर उभर आए गड्ढे हादसों को दावत देना शुरू कर देते हैं। टू व्हीलर गाड़ी स्लिप ज्यादा होता है, बहुत हो रहा है। अभी वो टक्कर डाला ना पत्थर चूड़ा, उसमें गाड़ी स्लिप हो रहा है। अभी वो उधर डाला है सामने, और सबको परेशानी है, धंधे वाले को बोला, आने जाने वाले को सब कंप्लीट करते, फोन करते, क्या करते हैं तुम लोग। बीएमसी वाले भी जाते हैं, लेटर हम लोग पहले लेटर भी दिया है बड़ा मंदिर की तरफ से, हमारा हनुमान जो जिम्मेदार है ना वो मंदिर की तरफ से भी हम लोग लेटर दिया था, मैडम को मालूम है, सही लिया था पब्लिक का सब। एक आंकड़े के मुताबिक मुंबई के 24 वार्ड 8582 गड्ढे मुंबई की रफ्तार पर ब्रेक लगा रहे हैं, और ऐसा भी नहीं है कि इसकी शिकायत बीएमसी के अधिकारियों तक नहीं पहुंच रही है। लोगों का कहना है कि बीएमसी के अधिकारी शिकायतों को दरकिनार कर मनमानी कर रहे हैं, यही वजह है कि अब स्थानीय लोग आंदोलन करने की तैयारी में हैं। एक आंकड़े के मुताबिक मुंबई के 24 वार्डों में से 8582 गड्ढे उभर कर आए हैं, और कुछ देर पहले हम गोरेगांव के जिस सड़क की बात कर रहे थे यानी 168 गड्ढे वाला सड़क, उसकी शिकायत बृहन मुंबई महानगर पालिका के इसी कार्यालय में की गई है। खुद स्थानीय नगर सेविका यहां पहुंची हुई थी, कर्मचारियों को मौके पर ले गई, गड्ढों को दिखाया और मरम्मत का काम अभी भी शुरू नहीं है। ऐसे में अब स्थानीय नगर सेविका जो है लोगों को लेकर दो दिन बाद यहां पर जो है आंदोलन करने वाली है। कुछ खाएंगे नहीं, कुछ पिएंगे नहीं। आपको बताएं कि इस तरह के मामले मुंबई के कई जगहों पर देखे जा रहे हैं। हर जो समाज सेवी लोग हैं, जो कोई भी परेशान है वो बीएमसी के खिलाफ आवाज उठा रहा है, लेकिन बीएमसी की तरफ से सिर्फ और सिर्फ यही बात सामने आ रही है कि हमने सारे गड्ढे भर दिए हैं, कुछ गड्ढे बचे हैं जिनमें काम करना अभी बाकी है। हालांकि आधिकारिक तौर से मीडिया को यानी हमें बीएमसी की तरफ से कोई बयान नहीं मिल पा रही है, लेकिन जो सच्चाई है वो यही है कि तेज बारिश होते ही बीएमसी की पोल खुलनी शुरू हो जाती है।
गोरेगांव इलाके की पूर्व बीजेपी नगर सेविका प्रीति साटम कहती हैं कि उन्होंने खुद महानगर पालिका के अधिकारियों को ले जाकर सड़कों के गड्ढों को दिखाया, लेकिन विभाग की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। प्रीति साटम कहती हैं कि जनता की समस्याओं से विभाग के अधिकारियों को कोई फर्क नहीं पड़ता, लिहाजा वो नगर पालिका के खिलाफ आंदोलन करने की तैयारी में है। उनका कहना है कि सड़क के इन गड्ढों की वजह से स्थानीय लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और ये गड्ढे किसी की जान पर भारी पड़ सकते हैं। ये देखिए, सीवर लाइन का काम है तो हर एक जो डिपार्टमेंट है वो अभी खड्डे को भी, हमारा ये खड्डा नहीं है, ये आपका खड्डा नहीं है, उनका वही सब चल रहा है। ये सीवर लाइन काम किया है इसके लिए खड्डे पड़े हैं, तो ये महानगर पालिका जो पी साउथ वार्ड है उनकी उनका नहीं है, ये सब चालू है अलग अलग उसमें, तो ये खड्डे मुझे नहीं लग रहा है कि भरेंगे, लेकिन इसके लिए हम लोग फिर आंदोलन की में करने वाले। महानगर पालिका के दावों के मुताबिक पश्चिमी एक्सप्रेस हाईवे पर 2479 गड्ढों की रिपोर्ट की गई, जिनकी सभी मरम्मत कर दी गई है। पूर्वी एक्सप्रेस हाईवे पर 1810 गड्ढों की रिपोर्ट की गई, जिनमें से 1809 की मरम्मत कर दी गई। वहीं गोरेगांव के पश्चिम विभाग में 596 गड्ढों में से 586 गड्ढे भरे जा चुके हैं। इसी तरह ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर कुल 1716 गड्ढे थे, जिनमें से 1711 गड्ढे भरे जा चुके हैं। महानगर पालिका के दावों के मुताबिक अब सिर्फ कुछ ही गड्ढे भरे जाने बाकी हैं जिन पर काम चालू है, लेकिन जनता महानगर पालिका के इस दावे से बेहद खफा है क्योंकि उन्हें रोज परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। यहाँ पे रास्ते पे खड्डे के हिसाब से बहुत सारी परेशानियां हैं, बच्चे 2-3 स्कूल है, मैडम ने ऑलरेडी बताया, और यहाँ रहवासी काफी लोग हैं तो उनको बुजुर्ग भी है, बच्चे है, सबको तकलीफ होती है, कारण खड्डा। अक्सर देखा जाता है कि मुंबई करों को हादसों से बचाने के लिए ट्रैफिक पुलिस और मुंबई सिटी पुलिस योद्धा बनकर खुद ही नालों को साफ करते और गड्ढे भरते नजर आते हैं, लेकिन प्रशासन की ये कोशिशें मुंबई कर के लिए नाकाफी हैं। इधर हॉस्पिटल है, लाइफ लाइन, वहाँ आगे मेडिकल सेंटर है, ये पूरा गोकुलधाम बहुत पुराना एरिया है, लेकिन ये खड्डे इस बार बहुत ज्यादा ये बीएमसी का लापरवाही से हो गया है, जो ऑफिसर लोग हैं उनकी वजह से। हमारा मैडम नगर सेवक जो है प्रीति साटम जी लगातार प्रयास करता है, डेली आपके बुलाने पे तुरंत चले आता है, लेकिन ये ऑफिसर लोग इसको काम बरोबर से नहीं कर रहा है। डिपार्टमेंट अलग अलग नाम देके बदनाम करता है, कभी ये बोलता है यहाँ पे है, कभी उसका काम है, कोई खोद दे रहा है, इससे बहुत तकलीफ है। लेकिन हैरान करने वाली बात ये है कि इन गड्ढों की वजह से कई लोगों की जान तक चली जाती है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो 2019 से 2023 के बीच गड्ढों की वजह से 158 लोगों की मौत हो चुकी है। बरसात के मौसम में इसकी संख्या और अधिक होती है। वहीं 2019 में सबसे ज्यादा 181 दुर्घटनाएं दर्ज की गई, जिसमें 72 लोग मारे गए और 161 लोग घायल हुए थे। 2020 में 61 दुर्घटनाओं में 39 मौतें दर्ज की गई, जबकि 2022 में सबसे कम दुर्घटनाएं दर्ज की गई। मेरे प्रभाग ये जो 52 है वहाँ पे इतने सालों से सीवर लाइन नहीं थी, लेकिन मेरे पार्षद के 5 साल में मैंने महानगर पालिका प्रशासनों से बहुत प्रयास करके यहाँ पे जो हमारा साई मार्ग है वहाँ पे हमने सीवर लाइन की काम की मंजूरी ली और काम भी शुरू किया, लेकिन बीच में कोरोना काल और प्रशासन के राज में जो अधिकारी और ठेकेदार है उनके वजह से ये जो प्रोजेक्ट है वो डिले हो रहा है। और वैसे भी ये जो प्रोजेक्ट है जैसे काम होना चाहिए था वैसे काम नहीं हो रहा, और इसके लिए यहाँ पे आपने देखा होगा रास्ते में बहुत सारे खड्डे हैं। अगर पिछले कुछ सालों की बात करें तो ये आंकड़े हैरान करने वाले हैं। पिछले 5 साल में मुंबई समेत राज्य में गड्ढों के कारण 340 दुर्घटनाएं हुई। मुंबई पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक 158 लोगों की जान चली गई जबकि 309 लोग घायल हो गए थे। बीएमसी हर साल मानसून की दस्तक से पहले सड़क पर बनने वाले गड्ढों को भरने का काम शुरू कर देती है, लेकिन बारिश होते ही बीएमसी के दावों की पोल खुल जाती है और बारिश आते ही मुंबई गड्ढों वाले शहर में तब्दील हो जाती है, जो लोगों की सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा है। ऐसे में जरूरी है कि माया नगरी की सड़कों के गड्ढों से खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे, गुड न्यूज़ टुडे।